नमस्कार। आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो मैग्नस कार्लसन, जो कि करंट वर्ल्ड चैंपियन है, और हिकारू नाकामुरा, इनके बीच जो गेम हुआ था बिलबाओ मास्टर्स में 2016 में, आई गेस ये पहली बार था जब किसी क्लासिकल टूर्नामेंट में हिकारू नाकामुरा ने मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट कोई गेम जीता था। रैपिड और ब्लेड्स की बात अलग है, पर क्लासिकल में बहुत गेम्स खेलने के बाद मोस्टली सभी ड्रॉ हुए थे, और मुझे लगता है 8 या 9 गेम्स मैग्नस ने जीते थे, और उसके बाद एक गेम आया था जो कि हिकारू नाकामुरा ने जीता था। कल वैसे हिकारू नाकामुरा का बर्थडे था, तो कल मैं थोड़ा बिजी था तो वीडियो नहीं बना पाया, बट आज मैंने सोचा कि वो एक गेम हम देख सकते हैं। तो क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं। गेम जो स्टार्ट हुआ वो e4 c5 Ne2 e2 d6 Nc3। ओपनिंग में शायद मैग्नस ट्राई कर रहा है कि कैसे तो न्यू कोई वेरिएशंस लाया जाए। a6 g3 g6 bishop to g2 bg7 d4, और फाइनली आप ओपन सिसिलियन के सेक्शन में आ गए जहाँ पे c4 d4 Nk4 d4 और Nf6 आ जाता है। बहुत बार अगर आप देखें तो नाइजडॉफ जो a6 वेरिएशन है उसमें अगर आप g3 जाते हैं तो आप ड्रैगन का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं g6 bg7, और ये एक सेफ वे है ब्लैक के लिए। कैसल किया व्हाइट ने, कैसल एंड b3, ये एक पहला न्यू मूव था। नॉर्मली इधर h3 Nc6 bishop to e3 bd7 Nd5 और Rc8, ये सब बहुत खेला हुआ है पहले, बट b3 एक न्यू मूव था मेरे हिसाब से। Nc6 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, Nt2 c6 bcut c6, मे भी आप e5 ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, बट नॉर्मली ये सेक्रीफाइस तब ज़्यादा अच्छा रहता है, इफेक्टिव रहता है व्हाइट के लिए जब किंग e8 पे हो, कैसलिंग नहीं किया हो, बिकॉज उस कंडीशन में आप d take c और bb6 c6 चेक भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ qd8 मार के आप कैसलिंग ब्रेक कर सकते हो। लेकिन इधर bb2 खेला मैग्नस ने, qf5 Ne4 pg4। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो जो जो मेन आइडिया है bg4 का वो ये है कि h5 स्क्वायर सिक्योर करना है फॉर दिस क्वीन, ताकि क्वीन आके bishop h3 खेल सकें, ये एक स्टैंडर्ड आइडिया है इसमें। qe1 खेला, qh5 f3। f3 की जगह मुझे लगता है जो उस टाइम जो मैंने एनालिसिस थोड़े पढ़े थे उसमें दिखाया हुआ था कि e5 एक अच्छा ट्राई हो सकता था वाइट के लिए, बिकॉज आफ्टर d का d5 qका d5, और आपने अगर एक बार क्वीन एक्सचेंज कर लिया तो bishop h3 भी आपका बच रहा है, और उसके बाद Nd5 में भी आप खेल सकते हैं जिसमें bishop कट g7 king कट g7 और c4। ये शायद से वाइट के लिए स्लाइड बेटर रहता, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इस पे ऑलरेडी प्रेशर है और ये नाइट बहुत अच्छा है जिसको आप c5 जा सकते हैं बाद में। सो c4 एक अच्छा ट्राई था, लेकिन गेम में आफ्टर qh5 f3 खेला वाइट ने, bishop to h3 g4 qh6 ओनली मूव लग रहा है, अदरवाइज h3 पे थ्रेट है। Rd1 डेफिनेटली वाइट को bishop c1 खेलना है, लेकिन अगर रुक को यहाँ रख के bishop c1 खेलेंगे तो ये बाद में प्रॉब्लम्स होंगे इसको, इसीलिए Rd1 पहले खेला। g5 bishop c1 bishop into g2 king कट g2 ओनली मूव, qg6। डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि बिशप जो है वो अगर क्वीन के डायगोनल में है तो आपको सिंपली क्वीन मूव कर देना चाहिए वहां से, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। h4 g कट h4 qकट h4 d5, ये एक बहुत अच्छा ब्रेक था, क्योंकि नॉर्मली जब किंग अनसेफ रहे ओपोनेंट का तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि सेंटर में भी आप ब्रेक दे दें, ताकि ये जो पॉन स्ट्रक्चर है जिसके भरोसे ये किंग सेफ लग रहा है वो थोड़ा ब्रेक हो जाए। g5 खेला यहाँ पे व्हाइट ने, एक्चुअली कोई थ्रेट नहीं है फिलहाल, बिकॉज आप देख सकते हैं क्वीन के कारण यहाँ पे ये पिन है, तो सिंपली नाकामुरा ने d कट e4 मारा, f4 खेला व्हाइट ने, नेक्स्ट मूव f5 आ सकता है तो e6 रोका। f into e4, f4 की जगह अगर आप f into e4 मारते तो कोई पॉइंट नहीं था इधर, बिकॉज qka4 qka4 Nk4 सिंपली ब्लैक बेटर रहता है इसमें। सो f4 को e6 खेला टू स्टॉप f5, c4 Nd5 कभी नहीं आना चाहिए फ्यूचर में ये स्क्वायर सिक्योर करने के लिए, रुक fd8, क्योंकि जब तक किंग नहीं हटाओगे आप उसको, इस नाइट को यहाँ से रिमूव करने का कोई पॉइंट नहीं है, वो आराम से वेट कर सकता है। सो रुक fd1 खेला, de1 सॉरी, Ne8। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्चुअली ये जो नाइट है वो बाद में d6 आके f5 आ सकता है, जो कि एक बहुत अच्छा स्क्वायर है नाइट के लिए। सो नाइट c5 खेला,
यहाँ पे वाइट ने नाइट डी सिक्स, क्वीन एफ टू, क्योंकि नाइट एफ फाइव को क्वीन एच फोर पे थ्रेट रहता है इसलिए क्वीन को रिमूव करना जरूरी था, एफ फाइव। फाइनली इस मूव के बाद एक बात क्लियर हो गई कि जो एक्स्ट्रा पॉन है अब वो वेल प्रोटेक्टेड है, आप जी कट एफ सिक्स नहीं मार सकते हो क्योंकि पिन है उधर। और इस एक पॉन के बदौलत मुझे लगता है ब्लैक बहुत अच्छे से एडवांटेज क्रिएट कर सकता है। सो बिशप बी टू खेला, नाइट एफ सेवन, बिशप इन टू जी सेवन, किंग इन टू जी सेवन, वाइट ने सिंपली एक इफेक्टिव पीस एक्सचेंज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद ये पोजीशन ब्लैक के लिए बहुत अच्छी लग रही है। क्वीन जी थ्री खेला, रुक डी सिक्स, नाउ जो जो ब्लैक है वो रुक डबल करने के लिए कोशिश कर रहा है ताकि रुक डी टू और इस पूरे फाइल में उसका ही कंट्रोल हो। रुक डी वन खेला, रुक डी एट टेक्स, रुक इन टू डी सिक्स, क्वीन सी थ्री चेक, किंग जी एट, किंग जी एट के बाद रुक एफ टू खेला यहाँ पे वाइट ने, क्योंकि कुछ कंडीशंस में रुक डी टू हमेशा से ही चांस था। क्वीन एच फाइव, क्वीन एच थ्री एक्सचेंज करने के लिए ऑफर कर रहा है। क्वीन डी वन, जब आपको पता हो कि आपका किंग सेफ है और अपोनेंट का किंग उतना सेफ नहीं है और आपको उस कंडीशंस में और चांसेस क्रिएट करने के लिए जाना चाहिए, तो सिंपली इधर आपको क्वीन एक्सचेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वीन डी वन, क्वीन टू, ई थ्री, ई फाइव। अब ब्लैक जो है वो कोशिश कर रहा है कि एक बार अगर ई एफ से एक्सचेंज हो जाता है तो जी पॉन वीक हो जाएगा और ये दोनों पॉन हमारे बहुत अच्छे रहेंगे पुश करने के लिए। सो ई फाइव खेला, क्वीन जी थ्री, रुक जी सिक्स। ई फाइव से एक और फ़ायदा हुआ था कि ई फाइव खेलने के बाद रुक शिफ्ट हो गया जी सिक्स पे। सो किंग एच टू खेला, ई कट एफ फोर, क्वीन कट एफ फोर, और अब जी फाइव मर रहा है। क्वीन एच फाइव चेक दिया पहले, और यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो क्वीन इन टू जी फाइव भी एक मूव हो सकता था, लेकिन क्वीन इन टू जी फाइव में आप देखिए कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्वीन इन टू जी फाइव आपने अगर रुक इन टू जी फाइव मारा इधर तो भी ये पोजीशन चलनी चाहिए थी एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे क्वीन डी वन खेला पहले, चेक क्वीन एच फाइव रिपीट करने के बाद, और फिर नाइट इन टू जी फाइव मार दिया, बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने बोला पहले कि क्वीन एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको लग रहा है कि ओपोनेंट का किंग बहुत ज़्यादा अनसेफ फील कर रहा है तो। सो क्वीन बी एट खेला यहाँ पे वाइट ने, किंग जी सेवन, क्वीन ई फाइव, किंग एच सिक्स, ये एक बहुत अच्छा प्लेस है वाइट के, सॉरी ब्लैक किंग के लिए, बिकॉज उसके बाद कोई चेक नहीं आ रहा है और नाइट एफ थ्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रेट है अभी हमारे पास, क्योंकि उसमें दोनों फोर्क में भी पड़े हुए डबल चेक आ रहा है। क्वीन एफ फोर खेला, ये पिन जो है वो हमेशा ध्यान देना चाहिए था कि इधर रिलीज कैसे करेंगे इसको। सो क्वीन डी वन चेक दिया, क्वीन डी फोर। अब इस मूव के बाद एक बात क्लियर हो गई कि ये जो डायगनल है ए वन से एच एट वाला जहाँ पे किंग आ सकता है ऐसे, वो रोकने के लिए ये क्वीन हमेशा यहाँ पे है, और रुक जी एट आ जाएगा, मतलब लास्ट रो जो है वो हमेशा रुक गार्ड करेगा, इस डायगनल पे क्वीन है और इधर पॉन है, मतलब किंग हमेशा सेफ फील करेगा एच एट पे। सो वही एक आइडिया मुझे लग रहा है कि था क्वीन डी फोर का, क्वीन डी फोर एक अच्छा मूव लग रहा है। बी फोर खेला क्योंकि सी फाइव पे भी थ्रेट था, किंग जी सेवन, ऑफकोर्स द आइडिया इज टू प्ले किंग एच एट नाउ, क्वीन सी सेवन, किंग एच एट, और क्वीन सी एट खेला तो रुक जी एट आ गया, और इसके बाद शायद मुझे लगता है कि कोई चांस ही नहीं था वाइट के पास। और आफ्टर क्वीन इन टू एफ फाइव नाइट एफ थ्री चेक दिया, किंग एच थ्री खेला यहाँ पे मैगनस ने, शायद एक मूव और कुछ चांस मिल जाता नाइट इन टू डी सिक्स को तो थोड़ा चांस था बचाने के लिए, अदरवाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट ऑन एफ थ्री, रुक ऑन जी एट और क्वीन, ये सब मिलके बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक क्रिएट कर रहे हैं और वाइट के किंग को कोई शेल्टर नहीं है। सो यहाँ पे लास्ट मूव क्वीन डी सिक्स खेला नाकामुरा ने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जी थ्री पे मेट लगा हुआ है और कोई रिसोर्स नहीं है वाइट के पास कंटिन्यू करने का। सो डेफिनेटली ये जो था पहला गेम था जो क्लासिकल में मैग्नस कार्लसन को हराया था निकारो नाकामुरा ने, रैपिड और ब्लिट्स का जो बात है वो अलग थी, लेकिन उसके बाद बहुत बार हार चुका था, 9 या 10 बार मुझे लगता है कंटिन्यूस हार चुका था नाकामुरा, और पहली बार मैग्नस कार्लसन से जीता हूँ। बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा बुलेट और ब्लिट्स में नाकामुरा का बहुत अच्छा नाम है, आप हमेशा देखेंगे तो सभी साइट्स पे उसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाते, लेकिन इस एक गेम में पहली बार मुझे लगता है नाकामुरा को राहत मिली होंगी कि पहली बार मैग्नस कार्लसन के साथ क्लासिकल में स्पेशली वो एक गेम जीता। तो मिलते हैं बहुत जल्दी
और कुछ गेम्स के साथ। आज के गेम में हम लोग ने मैंने यही सोचा था कि नकामुरा का एक गेम ज़रूर दिखाना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि जब भी किसी प्लेयर का, अच्छे प्लेयर का कोई एटलीस्ट बर्थडे, तो उस दिन मैं एक वीडियो अपलोड करूँ उसके कोई अच्छे गेम के लिए। और मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय, थैंक यू।